प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ मन स्थिर करने का क्या उपाय है? माँ, जब तक हो सके भगवान का नाम लेते रहो और यात्रियों का संग करना। यात्री वे हैं जो उसी मार्ग पर यात्रा कर चुके हैं, उनका संग करना। प्रश्न, अगर स्वयं ही अपना सब कुछ करना पड़ा तब दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? माँ, जो कुछ किया जाए शिक्षक की जरूरत होती है शिक्षा के लिए। हर छोटे बड़े काम के लिए किसी ना किसी के निकट जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। प्रश्न, माँ हम हमारे व्यवहारिक जीवन में हर तरह के छल कपट चतुराई शठता देखते हैं, पर इनके साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन का समन्वय किया जा सकता है? माँ, पिताजी एक बार यह शरीर मसूरी में था, वहां एक दिन तीसरे पहर टहलते वक्त देखा गया कि एक मैदान में अनेक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। अचानक एक घंटा बजते ही जो जिस हालत में था उसी स्थिति में स्तब्ध रह गया। यही है नीति की दिशा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम का जब तक ठीक ढंग से पालन नहीं होता तब तक नीति और विधि की दिशा का निर्माण नहीं हो पाता। चार आश्रमों की चर्चा हमारे यहां है, इसमें अगर प्रथम आश्रम ही ठीक ना रहे तो बिल्डिंग का फाउंडेशन जिस प्रकार पक्का ना रहने पर बिल्डिंग के प्रति भय बना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की दीवार ठीक ना रहने पर तब समस्त विरोधों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न, माँ आध्यात्मिक जीवन में रुचि और निष्ठा कैसे हो सकती है? माँ, पिताजी अभ्यास योग के द्वारा ही इस मार्ग में रुचि और निष्ठा आती है। प्रश्न, माँ क्या करूं, गृहस्थी करनी पड़ती है, वह भी तो भगवान की देन है। माँ, अवश्य सब उन्हीं की है, वे ही। जब गृहस्थी का कोई काम करोगी तब याद रखना उनकी सेवा कर रही हूं, वे इन्हीं रूपों में, तभी उनके निकट सभी सेवाएं पहुंच जाती हैं। ऋषि पुत्र ऋषि कन्या नहीं थे? असली बात यह है कि उनके भाव को लेना, उन्हीं को लेकर सब कुछ करते हुए रहना। मां उपदेश दे रही हैं, गाय जैसे बछड़े को चाट चाट कर साफ करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी संतानों के दोषों को खींच खींच कर उसे शुद्ध और पवित्र बना देते हैं। तत्बुद्धि से निष्काम सेवा। जब तक हो सके नाम जपने का मतलब है उनका संग करना। जिस प्रकार इस संसार के मित्रों का साथ करने पर वह अपनी सारी बातें तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार परम बंधु का साथ करने पर वे अपना तत्व तुम्हारे सामने प्रकट कर देंगे। समुद्र की लहरों को देखकर क्या तुम नहाना रोक देते हो? उसी लहर में उछलकर अपना स्नान समाप्त करते हो। इसी प्रकार सांसारिक झंझटों तथा बाधाओं के बीच बराबर उन्हें स्मरण करो, जप करते रहने का प्रयत्न करो। संसार संशय का स्थान। प्रश्न, मां भगवान को पाने के लिए कितना समय लग सकता है? माँ, स्वमय, वे तो स्वयं मय होकर हैं। उन्हें व्याकुल होकर जो ठीक ठीक से पुकारता है तुरंत वे प्रकाशित होते हैं। माँ बच्चे का असली रोना जानती है, उस रोने की आवाज को सुनकर वह सारा काम काज छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। माँ उपदेश दे रही हैं, जगत गुरु करोड़ में कुछ एक। जगत गुरु कौन? जो जगत का त्राण करते हैं। साधारण गुरु जो मंत्र देते हैं उससे गुरु शक्तिपात नहीं होता, पर मंत्र दृष्टा ऋषि से जिस मंत्र का विकास प्रवाह गुरु परंपरा से होता चला आ रहा है उससे मंत्र शक्तिपात होता है। फलस्वरूप
तुमने जो मंत्र पाया है उसमें तो मंत्र शक्तिपात है। निज संस्कार अनुयायी वह स्वर्ण हो सकता है, और जहां गुरु शक्तिपात होता है वहां तो कनेक्शन हो ही गया। जगत गुरु ही शक्तिपात कर सकते हैं। मंत्र दीक्षा के अलावा स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा से भी गुरु शक्तिपात हो सकता है। सात्विक दीक्षा में किसी भी जगह से गुरु शक्तिपात हो सकता है। प्रारब्ध भोग जीवन मुक्तों का भी होता है, पर साधारण जीवों की तरह नहीं। जैसे पंखा का स्विच ऑफ कर देने पर भी पंखा घूमता रहता है। ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म जल जाता है। ज्ञान सब जला सकता है पर प्रारब्ध को नहीं जला सकता। प्रश्न करना अच्छा है, जो जिस स्थिति में है वह वहीं से प्रश्न करता है। एक तो जो मूर्ख है उसे प्रश्न करना नहीं आता, और जो पास कर गया है उसका प्रश्न नहीं उठता। भगवान का चिन्मय रूप, चिन्मय विग्रह नित्य, जन्म मृत्यु जहां है वहीं साधन प्राप्ति की इच्छा। यहां से अप्राप्त प्राप्ति के पार जाने के लिए साधना। जहां नित्य विग्रह वहां नष्ट नहीं होता न इष्ट। प्रश्न, मां भगवान के लिए यात्रा क्या भगवत को छोड़कर हो सकती है? मां, प्रश्न जो किया है वह भी भगवत इच्छा से। जगत और हरि अभिन्न, भगवान का यंत्रवत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। समाधान असमाधान भगवान ही। पढ़ने से तृप्ति नहीं होती, फिर भी अपने को जानने के लिए सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। भगवान दूर हैं यह दुर्बुद्धि, दुर्बोध, दुर्गति हटाने के लिए तद्भावना, तत्चिंता। वासना कामना लेकर जो मर जाता है वही मृत्यु है। कारण रिटर्न टिकट लेकर वह गया, पुनः आना पड़ेगा। मां उपदेश दे रही हैं, अगर मृत्यु का मृत्यु हो जाए सौभाग्य से तो तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, वह प्रकट हो जाएगा। जो समय गुजर जाता है वह वापस नहीं लौटता। मनुष्य वह मन में जिसके होश हुआ है। यह अमूल्य समय नष्ट मत करो। आत्मघाती ना होकर अमृत आत्मा तुम हो, स्वयं उसे प्रकाश करो। सेवक प्रभु, तुम जो नित्य के दास हो उसे प्रकट करने की चेष्टा करो। जैसे पिता पुत्र पति एक, वैसे ज्ञान भक्ति कर्म सभी एक के पास पहुंचते हैं। सर्वनाम भगवान का, फिर अनाम अरूप किसी भी रूप में पाना, अंत में जाकर देखना सभी एक। चेष्टा सभी को करना है। भगवत प्राप्ति में स्त्री पुरुष सभी का समान अधिकार है। दुर्लभ जन्म को सुलभ करने के लिए प्रयत्न करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य, नहीं तो जन्म और मृत्यु। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।